दिल्ली में भगवान राम के नाम कटा देश का सबसे बड़ा ट्रैफिक चलान, जाने पूरा मामला। नमस्कार, नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होते ही चलान काफी चर्चा में आ गया है। दरअसल सख्त कानून के कारण ट्रैफिक उल्लंघन पर भारी जुर्माना भरना पड़ रहा है। किसी का 10,000 तो किसी का 25,000 तो किसी का 1,00,000 रुपए से अधिक का चलान कटा है। जी हाँ, 1,00,000 संभवत ये देश का अभी तक का सबसे बड़ा ट्रैफिक चलान बताया जा रहा है। दरअसल राजस्थान निवासी एक ट्रक मालिक के ट्रक को बीते 5 सितंबर को ओवरलोडिंग के चलते पकड़ा गया था, जिसके बाद ओवरलोडिंग के लिए उसका 1,41,700 रुपए का चलान काटा गया। इसके बाद ट्रक के मालिक ने बीते 9 सितंबर को रोहिणी जिला अदालत में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर जुर्माने की राशि का भुगतान किया। ट्रक के मालिक भगवान राम की तरफ से जुर्माने की राशि अदालत में जमा करवाई। उल्लेख है कि मोटर वाहन विधेयक 19 जुलाई माह में संसद में पारित किया गया था, जिसके बाद बड़े हुए जुर्माने 1 सितंबर से लागू हो गए थे। इसके बाद से ही पुलिस द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन बालों के भारी चलान किए जा रहे हैं, जो सुर्खियों में हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।